तो बेटा हमने कल टाइप्स ऑफ मोशन देखे। हमने देखा हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। वी इंट्रोड्यूस्ड काइनेटिक्स। हमने कहा कि वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन विदाउट इट्स कॉज। और हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखा। हमने देखा रोटेशन का अच्छा बना, ट्रांसलेशन का अच्छा बना, रेक्टिलिनियर का अच्छा बना, सर्कुलर का अच्छा बना, ऑसिलेटर का अच्छा बना, वाइब्रेशन का अच्छा बना। ठीक है। नाउ बेटा वी हैव क्लासिफाइड मोशन ऑन द बेसिस ऑफ The change in the coordinates of the body। देखो types of motion में ही continue कर रहा हूं। When we talk about the location, when we want to find out the location of a point object, किसी भी चीज का बेटा location अगर हमें देखना है तो location के लिए आपको पता है you need to have coordinates। अगर फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट अ बॉडी विच इज प्लेस्ड इन स्पेस एट पॉइंट पी, नाउ विद रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस बेटा इस पॉइंट पी के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। आशना कोऑर्डिनेट्स होने का मतलब इट विल बी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, दैट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट। आशा इट विल बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, that will be its y coordinate. It will be at some distance from xy plane along z axis and that will be its z coordinate. Yes, sir? Yes, sir. If this is the x axis, this is the y axis, this is the z axis. आपको इस पॉइंट का लोकेशन अगर देखना है तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव दीज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड के साथ, जरूरी एक्स वाई जेड स्पेस में है। ये समझो ये ओरिजिन है, स्पेस में है, ये स्पेस में, स्पेस में होने का मतलब ये समझना। देखो ये समझो ऐसे यहां तक जाने के लिए पता है क्या करना है, पहले जाना है एक्स एक्सिस पे इतना, ये देखो ये इसकी प्रोजेक्शन है किस पर, एक्स जेड प्लेन पे, जो प्लेन है इस पर। ठीक है गो गॉड चाइस गोबर ये पे योर ताम बात पचु ये पे ह्योर खसुन वाई। ठीक है। और तब जाकर आपको ये पॉइंट मिलेगा स्पेस में, ये प्लेन में नहीं है स्पेस में। पहले समझना इस बात को, ये इस तरह से आएगा। देखो खबर बासांचा बनिए, ये स्पेस में है, स्पेस में है, ये उस ये दीवार में नहीं है, ये प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है। की गोड़ का सबसे ये बैठे योर ताम इट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट होगा। yes. यहां से यहां तक नहीं, ये धोखा है, ये असल में प्लेन की बात जब हो रही है तो ये है इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा फिर इस प्लेन से, इस वाले प्लेन से ऊपर कितना है, दैट इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट। ये समझ रहा है। yes, अगर मगर ये वाई यू ना यू ये पेट प्लेन पे समझे तरह। yes, और फिर जो इसका जेड है, जेड वो है इस वाली लकीर, इस वाले प्लेन बोर्ड से आगे कितना जाना है। सो एक ये पैठ यू हुआ था, ये पैठ ये इसका जेड, समझ रहे हो। yes, थोड़ा सा बोर्ड गो गोड का सुन युकुल पच्चो इसका सुन हो पच्चो ने ब्रोड खबर तो ही समझ। yes, पहले यहां से लेकर ए तक जाना है, ओ ए पहले कवर करना है, फिर ए से लेकर बी तक जाना है और फिर बी से आगे आना है अलोंग जेड एक्सिस, तो पॉइंट पी मिलेगा। ये शू जेड ये पर बी पी इट इज जेड, ये यहां से यहां तक, समझ रहे हो, ये शू प्रोजेक्शन। तो इस पॉइंट की लोकेशन के लिए बेटा वी नीड टू हैव द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कल मैंने कहा था दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस ऑब्जर्वर यहां पर बैठा है वो देख रहा है पॉइंट पी। कोई और बंदा किसी और जगह पे होगा तो उसके लिए पी के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट, लेकिन पी उधर ही होगा, होगा कि नहीं। तो बेटा पहले समझो, अब इस पी की लोकेशन जो है, इस पी का लोकेशन का चेंज करना मोशन होता है। अब जो इस पी की मोशन है बेटा, हम पी की मोशन की बुनियाद पर पी को एक खास नाम देते हैं, एक खास नाम, इसके नाम श्रीमान अच्छा पॉइंट पी जो है या बॉडी जो है, जो पॉइंट पी पर है वो बॉडी बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कुछ ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट, मगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हगनो इस हटमट इस्तेमाल करित क्या, व्हाई
Because you already have known beta. What is a point object? Shabash. A point object is an entity. Point catch. What is a point? Aapne padha hoga mathematics mein. Point chak this entity which is dimensionless. A dimensionless entity is a point. Ab kisi cheez ko point object bolna itna iska matlab bahut chhota hoga. Infinitely very small. तो है कि नहीं, लेकिन आपने जब बॉडी पॉइंट पी पे रखी, समझ गए कोई नहीं, दो बॉडी इतनी बड़ी होगी, सपोज ये डस्टर है, हमने इसको पॉइंट पी पे रखा, क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है? ये डिपेंड करेगा बेटा इसकी मोशन किस तरह, इसके डायमेंशंस किस तरह के। हाँ, अगर इसके डायमेंशंस बहुत छोटे हैं दैट्स ही पॉइंट ऑब्जेक्ट, दैट्स अ प्रॉब्लम। मगर डायमेंशन छोटा होना इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू से कि एक बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाई? Sometimes Earth कितनी बड़ी है, हम Earth को भी बेटा point object consider करते हैं। Train कितनी लंबी होती है, हम उसको भी बेटा कभी point object consider करते हैं। Why? Because बेटा जब इसके coordinates change होंगे, जब इस body के क्या होंगे change? Coordinates. अगर the change in coordinates, for example train है, इतनी लंबी train, suppose train ने start किया जम्मू से, गई कहाँ? गई कन्याकुमारी तक। The distance is around 3000 kilometers. With respect to that covered distance, with respect to the change in the position vector, train बहुत छोटी है ना, train जब कसा मीटर है कि नहीं, तो with respect to that distance जो ये cover कर रहा है, with respect to that distance we can say that बेटा हमारा train point object है। Earth बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर चौथ रेडियस छुसा। अगर Earth ही होन इस गोबर साइज पूछो बहुत बड़ा, लेकिन एट द सेम टाइम बेटा जब ये अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है, हम बोलेंगे ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो विद रेस्पेक्ट टू दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इससे एक फायदा आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करने से, एक तो इसकी लोकेशन हम प्रिसाइसली बोल सकते हैं, अदरवाइज समाना किसी बड़ी चीज का बोलोगे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, चेक कैसे एक्स वाई जेड, ये चाहे सेंट्रस पे इच्छा मुख, फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोलोगे आप सर आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब इसे गोबर एट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक। मगर तुम्हारा ना सर आपने वो एक्स का पॉइंट इस टिप तक बोला है कि वो आपने यहां तक मेजर किया है, क्यों? क्योंकि बॉडी बड़ी है ना, बॉडी जब बड़ी होगी वी आर कंफ्यूज कि डायमेंशन, लेकिन जब आपका पॉइंट होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट इतना छोटा होगा कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगा कि आप जो भी कोऑर्डिनेट कहोगे वो हमेशा बॉडी तक ही जाएगा, आपको ये नहीं बोलना शायद दक्षिण किन किन खोफर की, यानी कि अर्थ फॉर अगर यहाँ पे अर्थ है बहुत बड़ी चीज है, विद रेस्पेक्ट टू ओ इफ द डिस्टेंस इज वेरी ह्यूज, मैं उस अर्थ के बदले एक पॉइंट रख रहा हूं यहाँ पे, तो उसको मीटर से फिर कोई किलोमीटर में गाइस लेंथ 2 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है, कोई फर्क ना पड़ेगा, तो ये हमें समझना है बेटा। पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कब हम करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात बेटा हम तब करते हैं जब हमारे पास, शाबाश क्या होने में, जब डायमेंशंस उस चीज के बहुत छोटे हों या द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स साइज, विद रेस्पेक्ट टू इट्स साइज इज वेरी लार्ज, बहुत लंबी डिस्टेंस इसने कवर की, तो हम उस ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते हैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, बड़ी चीजें भी, हेवनली चीजें भी, वी कैन से एक प्लेनेट है पॉइंट ऑब्जेक्ट, मगर कार एम्सन्स कंपैरिजन में ये क्या डिस्टेंस रोल अदा कर रहा, ये क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बेटा लोकेशन पॉइंट आउट करने के लिए वी नीड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड वी नीड दीज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड। अब बेटा ये एक्स वाई जेड जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी एम्स है करना एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स चेंज कर, तीन तरीके हैं बेटा जिस तरह से किसी भी बॉडी के डायमेंशंस या सॉरी कोऑर्डिनेट्स बेटा चेंज होंगे। वी कैन हैव अ बॉडी जिसके कोऑर्डिनेट सिर्फ एक डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन, तो क्या मतलब को समझना मेरी बात। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास पॉइंट ओ है, फिर पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी है, ठीक है। एक बंदा है बेटा वो पॉइंट ओ पे, ठीक, ओ इज द ओरिजिन। अब बंदा गया अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक छा,
तो जब बंदा बेटा ओ से लेकर ए की तरफ चला गया इसका सिर्फ और सिर्फ यू गो ना अलोंग अ सिंगल लाइन, ये समझो, ये समझो आप, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, लेकिन जब बंदा बेटा ओ पे था वो सिर्फ गया अलोंग वन एक्सिस, तो यानी कि बेटा यहां पर इसके कोऑर्डिनेट थे 0,0,0, अब जब ये ए पे पहुंच गया इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 0,0, जब ये पॉइंट बी पे पहुंच गया इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, अब मगर 0,0 छा, तो हम ये देख रहे हैं बेटा इसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, ऐसी मोशन को बेटा हम मोशन इन 1D कहते हैं। क्या मोशन इन 1D, दिस इज द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डील विद। सो व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन शाबाश, व्हेन आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, कौन से कोऑर्डिनेट्स जो हमें लोकेशन बता रहे हैं बंदे की, अगर उन तीन कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है दिल था वक्त यार, बंदे की मोशन जो है दैट इज अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और इसी मोशन को तू रेक्टिलिनियर मोशन कहता है। क्या चुका ना, और इसी मोशन को तू लीनियर मोशन भी कहता है, ये तो शायद समझता रहा। सो व्हाट इज अ लीनियर मोशन शाबाश, जब बंदे का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स बेटा, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, था से लिखिए मोशन इन वन डायमेंशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन when out of the three coordinates only one coordinate is changing, when out of the three coordinates only one coordinate is changing, that is the object moves along a straight line, ठीक है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन इज या लीनियर मोशन माना इलेक्ट्रिक लीनियर मोशन माना, आप मुझे सिर्फ अपनी कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते, इनसे कंफ्यूज है सर, तरस याद क्या गाइस व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, देखो बेटा फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने क्या बोला सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, मैंने यहां पर 0,0,0 इसलिए फिर गाइस फायदा आएगा, ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका बंदा ऐसे है, देखो ये भी वन डायमेंशनल मोशन है, यहां पे इसका है x,y,z, ठीक है, X1, Y1 थे, Z1 से पॉइंट P पे, बंदा गया पॉइंट Q पे, किधर पे गया पॉइंट Q पे, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स पता क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स समझ लो, देखो ना ये योकुन, चलो इस पर ठाव ना, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये यहां पे था ना, हाँ। ये इधर पे आ गया पॉइंट Q पे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है यहां पे, अभी भी x एक्सिस पे इतना ही है ना ये, हाँ। X1 वहीं थे, मगर Y उस पर ही हो रहा था, अब Y2 हो गया, लेकिन Z1 ही है, समझ रहे हो, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है, यानी कि आउट ऑफ थ्री आपको होना चेंज, चल छू याद था निकॉस मोशन चाहे वन एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल शाबाश, एनीवन वॉकिंग ऑन द स्ट्रेट रोड, हाँ हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे, वहां पे अगर आपकी मोशन देखी जाए आप ऐसे चल रहे हो, ठीक, व्हेन यू आर इन अ क्यू लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, बात अच्छा सा रहा कटोरे में कैंप पे जाते हैं वगैरह खाना पकड़ना, एक स्ट्रेट लाइन बनवाते हैं, तो वो मोशन जो है बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन, आप ही कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते, आप ट्रेन में होते हो, ट्रेन का ट्रैक जो होता है लंबा होता है स्ट्रेट लाइन ट्रैक चुना सा, अगेन स्ट्रेट लाइन मोशन रेक्टिलिनियर मोशन, बट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन इज द मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई चीज ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, सुजा दर्शन खोपुर का सा एक्स वाई एक्स और जेड चेंज होता है नहीं, वो सिर्फ वाई चेंज हो रहा है, हाँ एयरवेयर की बात नहीं मैं कर रहा, एयर शू नेग्लेक्ट करो, एयर नहीं है, देखो ये वाई डायमेंशन चू चेंज करना, एक्स ओसा हूं पेट यू थी सुमंगू चेंज, जेड ओसा ये लाइफ पेट यू थी सुमंगू चेंज, सिर्फ आई बोन सिर्फ को वाई एक्सिस पेट कोऑर्डिनेट चेंज, the best example of motion in 1D is the motion under gravity, clear cha, yes, samajh gaye ki nahi, yes. Chaliye beta,
इसके बाद बेटा वी टॉक अबाउट टू डायमेंशनल मोशन. किस मोशन की बात हम करते हैं? अब दो डायमेंशन में बेटा क्या होगा? शाबाश, कोई मुझे बताएगा. एग्जैक्टली, आउट ऑफ द थ्री दो चीजें चेंज हो जाएगी. शुद्धि का था, आउट ऑफ थ्री विल सी कि बंदा मोशन इस तरह से कर रहा है, कोई भी तरीका हो लेकिन कोऑर्डिनेट दो चेंज हो जाए. मसलन इधर से समझ, फॉर एग्जाम्पल बंदा यहां पे है, इसके कोऑर्डिनेट से एक्स वन वाई वन जेड वन है, ठीक है? ठीक है. कहने का मतलब ये, देखो अच्छे से समझना, ये इधर पे, ठीक है? यानी कि जेड एक्सिस पे बेटा ये इतनी दूरी पे, देखो ये समझना है, जेड एक्सिस पे ये दूरी है, दिस इज जेड वन. सो कैसे कि ये पढ़ो, ये देखो, ये मैंने यहां तक लाया ना प्रोजेक्शन इसका, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे इधर पे है, ठीक, ये मैंने ऐसे देखा. अब जब ये बंदा बेटा फॉर एग्जाम्पल इधर पे आ गया, वहां क्या शुरू है, एक्स टू, क्या इसके एक्स को चेंज, वहां चुको बोलिए वाई टू, तो क्या वाई को चेंज, मगर जेड छू नहीं वानी, यानी कि दो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए. जेड वन होने का मतलब ये अभी भी प्रोजेक्शन जब लेगा ना इधर ही तक लेगा, ये पीछे वाली दीवार से, इस दीवार से देखो एक्स और वाई के बीच जो दीवार बन रही है, किसी दीवार, इस दीवार से आगे नहीं आया, ये इस दीवार में ही मोशन कर रहा है, मोशन इन अ प्लेन, समझ रहे हो? ये इधर से आ गया पॉइंट पी वन से, पी से लेकर पॉइंट क्यू तक, सच दैट बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो सिर्फ x और y में चेंज हुए, z में चेंज नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो x की बात हम करेंगे, पहले समझना इस चीज को, x की बात हम करेंगे, थ्री डायमेंशनल में आपको दिखा रहा हूं, x की बात करेंगे तो यहां से लेकर, दरअसल बिछू किस पॉइंट, इशू ना इस पॉइंट असली प्रोजेक्शन है, ये इतना आगे है, देख समझ आ रहा है, इतना आगे होने का मतलब, तो ये है यहां तक एक्स, एक्स वन जो असली ये बट में ऊपर में रखो, एक्स टू एक ही एक्स टू, ये एक्स टू है, समझ रहे हो? और ये कहां से है एक्स टू, ये प्लेन पे, कुछ कम प्लेन पे, इस प्लेन से, जो ये प्लेन है यहां पर, सुना? इस प्लेन से, ये प्लेन है, यूशन समझो, अगर ये टू डायमेंशनल आशा बाहर भाई प्लेन है, मगर मैं थ्री डी के बारे में आपको दिखा रहा हूं, किस पॉइंट पूछो, इस दीवार से एक्स वन, इस दीवार से X2, दीवार से है ना, हाँ. तो दीवार कौन सी है, दीवार है Y और Z, exactly. हाँ. इसीलिए मैं यहां से दिखा रहा हूं, तो नहीं समझ, हाँ. ओके. तो यहां तक आ गया बेटा आपका क्या X2, ठीक है? नाउ ये समझना, हाँ, अगर मैं ऐसे पूछो ये तक, अगर कोई ये तक नहीं वहां डिस्टेंस, तो इसमें ये पटनी योर दम X1, ये पटनी योर दम X2, बहुत थे पट, इन आपको कंफ्यूजन हो जाएगा तामस, मैं आपको वैसे ही दिखाऊंगा, ये देखो कौन सी दीवार की बात मैं कर रहा हूं, इस दीवार की, देखो मैं दीवार बनाऊंगा पहले, ये दीवार है, छोटी दीवार, इस दीवार से ये वाला पॉइंट कितना है, हाँ दिस इज एक्स वन, ये इस दीवार से, ठीक है, और ये वाला दीवार से कितना है एक्स, एक ही तो अच्छा, अब ये दीवार लेकिन देखो हो रहा है ना, एक ही ना सो एड हंगा सा, अगर ये पेड़ सावन तेरे से यू कुछ पकड़ा, क्लियर है? This is x1, x2. Y की बात करते हैं, y का पर से डिस्टेंस नहीं, नहीं प्लेन से, नीचे वाले प्लेन से, नीचे वाला प्लेन ये है, देखो ये है नीचे वाला प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एग्जैक्टली, इससे ऊपर है y. गॉड ने छू की इच्छा, सोचा ये पेट इस प्लेन से, प्लेन छू ये, ठीक है, इस प्लेन से है वो, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज y1, ये पेट मगर यू और दाम, अच्छा इसकी बात करेंगे, ये भी इसी प्लेन से है ना, yes, sir. तो यहां से लेकर यहां तक क्या है बेटा, तुझे समझता रहा, वंकुश हो रहा है, जेड, व्हाट इज जेड, ये किस प्लेन से डिस्टेंस है, एक्स वाई प्लेन से, एग्जैक्टली, इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, इस प्लेन से, इस प्लेन से, पीछे वाले प्लेन से, ये कहां पे है, ये एक पॉइंट जेड वन, ये छुना आई मगर इस प्लेन से ही, इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है ना, सच नहीं, जेड वन है, आत्मा को चेंज नहीं, तो समझता ना, सो आउट ऑफ थ्री बेटा ओनली टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द
definition of motion in 2D, or you can say it is the motion in a plane. Motion in a plane. So jaise usko humne rectilinear motion kaha, linear motion, this is the motion in a plane. The best example of motion in a plane is flight of a bird. Flight of a bird. No. Bird chhod bo and dish ko kar raha. Jab flight of a bird aise jata hai. Uske do ek ye coordination. Right left bhi jata hai. Shabash. जैसे अगर आपके पास कोई भी प्लेन, हाँ, किसी प्लेन आप हो मोशन ऑन रोड, रोड रोड पे हो ना आप, हाँ, आप रोड पे हो बेटा और वो लेवल रोड नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेवल रोड वन पे किस करी, देखो फॉर एग्जांपल आपका रोड इस तरह से देवर चीत पर, ठीक, आप यहाँ पे हो पॉइंट ए पे, आपको जाना है पॉइंट बी, आप जब ऊपर जा रहे हो ऊपर, हाँ, तो आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जेड भी हो रहा है ना चेंज, आगे तो नहीं आया ना, नहीं, पीछे तो नहीं गए ना, नहीं, आपका ये था जीरो, यहाँ पर आएगा एक्स कॉमा वाई, आएगा ना, हाँ, क्योंकि एक्स को ये पेट यूर था चेंज, वाई को ये पेट यूर था चेंज, ठीक है। सो मोशन ऑन ए रोड या मोशन ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन, अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं, दिस इज अगेन मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, मगर हॉर्स अलग ग्रेविटी, सो इज ग्रेविटी, उसमें एक्स का बात ही नहीं था, इसमें एक्स की बात हो रही है। छठी प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं ना, छिना ना सा, हाँ, इस तरह से घूमते हैं ना, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होता है, वाई तो चेंज ही नहीं हो रहा, एक्स और जेड चेंज होता है समुचित तरह, कभी अगर देखोगे इस तरह से ये प्लेन है ना, इस प्लेन में है ना ये हो रहा है ना, तो खुद देख ले ये एक्स कभी इधर था, कभी इधर था, कभी इधर पे था, वो एक्स को चेंज, बेकुस को चेंज, जेड, हाँ, जेड है ना पीछे वाले से डिस्टेंस, कभी ये था जेड, कभी ये था जेड, कभी इतना ही था, कभी इतना था, हम वो एक्स से जेड को चेंज, क्लियर था। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। एम्पर है गशित गोबर, वी कैन हैव अ चेंज इन थ्री डायमेंशंस, त्रिनवे चीज के चेंज सुझाव गोबर जल्दी। मसला थ्री डायमेंशन क्या हो, थ्री डायमेंशन में क्या होगा, शाबाश, तीनों चेंज होंगे, सपोज यहाँ पे है एक्स वन वाई वन जेड वन, दिस इज पॉइंट पी, अनदर पॉइंट क्यू, एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है, दिस इज पॉइंट क्यू। देखो कैसे, अब मैं आपको दीवार ही दिखा रहा हूं, दीवार से आपको शायद अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका प्रोजेक्शन इस नीचे वाले प्लेन को ही बना रहा हूँ, ठीक है, मैं तीन प्लेन्स एट अ टाइम बना रहा हूँ बेटा, ये एक और प्लेन है, अच्छा, पक्ष जिगरतला बांधते, इसका प्रोजेक्शन ये है ना, हाँ। तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगी, सो इस ना एक्स वन, ये क्योंकि आप प्लेन से बात हो रही प्लेन, ठीक है, जो यहां से लेकर बेटा ऊपर तक डिस्टेंस होगी क्या बना सर, वाई वन, शाबाश, और जो बेटा डिस्टेंस होगी पीछे वाले दीवार से आप इस पॉइंट तक, सोच नहीं कि ये सो क्या ऐसे, क्लियर छा ना हो बेटा, जब इस पॉइंट की बात हम करते हैं पॉइंट क्यू की बात, सोचा पॉइंट क्यू इस पर आप उसकी प्रोजेक्शन जब देखेंगे, सपोज यहां पे, तो बता दो क्या क्या है, शाबाश, तिलचा गुबर गोड़, इस वाले दीवार से इस तक एक्स टू है ना, ये बेटी और था समझ, आज पेट ह्योर था अच्छा गोबर वाई टू, तुझे समझ रहा, क्योंकि ये प्लेन की बात हो रही है, समझ रहा है तू, और बेटा जेड की बात करेंगे, सुशा दिलिए तो फिर ये है ना, अच्छा, तो हमने ये देखा बेटा इनमें पॉइंट कैसे भी गया, मुझे नहीं देखा पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक मोशन किस तरह से हो, मुझे नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स पोजीशन वेक्टर तीनों चेंज हो गए,
तब हम बेटा ये कहते हैं कि हमारा मोशन जो है बेटा इट इज अ थ्री डायमेंशनल मोशन, एंड थ्री डायमेंशनल मोशन इज द मोशन इन स्पेस। जो आप बर्ड्स कह रहे थे, एरोप्लेन का मोशन देखो, काइट शाह रियलिटी में जो स्पेस में जो भी मोशन होती है दैट इज अ थ्री डायमेंशन। क्लियर? अच्छा, हमारे लिए जो टॉपिक है दैट इज मोशन इन वन डी, यानी कि आप कोई कोऑर्डिनेट चेंज। पद है चॉइस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का, मोशन इन टू डी, तो टू डी में राइट लेफ्ट जाना है ना, फोर्स लगेगा कहीं से, तो उसके लिए फोर्स का कंपोनेंट पता होनी चाहिए, एक्स से क्या है वाई से, उसके लिए वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर हमने पढ़ा है। स्पेस में जाएंगे तो उसी वेक्टर को तीन हिस्से करने हैं, वो भी किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बदले हमने किया था रेजोल्यूशन इन स्पेस किया था 3D, तो वो भी हमने पढ़ा है। हमने वेक्टर्स का कंसेप्ट जो मोशन को लिए चाहिए था बेटा वो हमने पढ़ लिया, तो अब हम मोशन बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज ये कि मोशन इन 1D, मोशन में कौन सी चीजें हमें चाहिए बेटा, उन चीजों को एक एक करके डिस्कस करना है। क्लियर? अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा समझ, मोशन थोड़ा समझ, 1D, 2D, 3D समझ आ गया। 1D में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, 2D में दो होंगे और 3D में तीनों चेंज होंगे। ठीक है, प्लेन वर्गो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन स्पेस, ये तीन चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद मोशन इन 1D टुडे एंड आई एम टेकिंग अप सम टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू मोशन। हेडिंग दे दो, entities related to motion, पहली एंटाइटी बेटा जिसमें हमें जो हमें मोशन को डिस्क्राइब करने में मदद करती है बेटा दैट इज डिस्टेंस। क्या चीज? What do you mean by distance, Shavash? The actual length of the path traveled. Exactly. For example, अब motion है, पहले समझना, motion है तो change in coordinates होगा. Say for example, बेटा आपका point A है, and then we have got another point B. These are the two points which are at some distance, ठीक है? तो for example बेटा आपके पास एक body है जिसने point A से point B तक जाने की कोशिश की. हाँ, वो चला गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, सपोज रास्ता उसने इख्तियार कर लिया, ये ठीक है फर्स्ट रास्ता। तो द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इस पूरे पाथ की बेटा लेंथ क्या है, एक्चुअल लेंथ जो इसकी है, दैट लेंथ इज बेटा कॉल्ड एज डिस्टेंस। कैसे बना? डिस्टेंस गोबर याद थे जमीन का, तो डिस्टेंस गोबर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी? इसके यूनिट्स बेटा मीटर के हैं। क्या है? मीटर। छोटा यूनिट सेंटीमीटर है, बड़ा यूनिट किलोमीटर है, और हमने यूनिट्स और डायमेंशंस में ऑलरेडी लेंथ को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा है। इसके डायमेंशंस निकाले हैं, शाबाश, एल रेस पर शाबाश, और हमने इसके बड़े से बड़े यूनिट की भी बात की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स लाइट ईयर की बात भी की, और हमने छोटे से छोटे यूनिट की बात भी की, समुचे तरह या क्लियर छा, एंगस्ट्रॉम्स की बात की, पिकोमीटर्स की बात की, करा कितना। सो बेटा दीज आर, दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। ठीक छा तरह? अब बेटा सुनो मेरी बात, डिस्टेंस बेटा या तो बॉडी की डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज द लेंथ ट्रेवल, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, या तो बेटा लेंथ या तो डिस्टेंस आपका जीरो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हाँ। जीरो कब होगा? जब वो डिस्टेंस, जब बॉडी रेस्ट पे है। हाँ। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज जीरो। अच्छा, मगर फॉर अ बॉडी टू बी इन मोशन, फॉर अ बॉडी टू बी इन मोशन, कैन डिस्टेंस बी जीरो? नो, इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। एंड विद टाइम इफ अ बॉडी इज इन मोशन, टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा, ये कभी घटता नहीं है। पहले समझना मेरी बात। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट पॉइंट ओ, वी हैव गॉट पॉइंट ए, वी हैव गॉट पॉइंट बी, टाइम टी था इक्वल टू जीरो,
टाइम टी इक्वल टू टी वन, यहाँ पे टाइम था टी टू और यहाँ पे टाइम आ गया टी थ्री, तीन टाइम्स की बात करो, पहले वन फिर टू फिर थ्री, ठीक है। सफारस कर ले भाई, अगर तेरा बॉडी जो है पॉइंट ओ से चला गया और चला गया ए तक, तो ऑब्वियसली इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, टाइम कुछ हुआ है, डिस्टेंस कवर कर लिया, से इसने डिस्टेंस कवर किया एक्स वन, ठीक था। फिर फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसने ए से लेकर बी तक और चलने लगा, तो इसने डिस्टेंस की कवर सपोज एक्स टू, ठीक था, या कम फिगर छह तरह पद क्या को रहे हैं, पद को ना टाइम टी टू तो था, मगर पद क्या करा नहीं, पचना ही पर डायरेक्शन करा रिवर्स, ये वापस यहां का परिणाम थी वाता को तो छुई। सपोज बेटा ये पहुंचा पॉइंट सी पे, तब क्या हो गया टाइम टी थ्री, तो इसने कोई डिस्टेंस अब की ना बी सी बी तक कवर, सो टोटल डिस्टेंस जो होगी बॉडी की, टोटल डिस्टेंस हाँ सकते तलावान शाब भाई, इट विल बी एक्स वन प्लस हाँ प्लस बी से सी तक होगा कि नहीं। इन्हें माना कि सर नहीं डिस्टेंस इतनी ही है, नहीं बेटा इसकी डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ, एक्चुअली क्या करे इसको ओ पेट ए स्तम करो सु जमा, पता ए पेट बी स्तम करो सु जमा, पता बी पेट सी स्तम कर सु जमा, सो विद टाइम बेटा डिस्टेंस इज फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ बॉडी विच इज इन मोशन द डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट डिस्टेंस विल बी जीरो, कैन डिस्टेंस बी नेगेटिव, नो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं हो सकती यार, ये कंडीशन डिस्टेंस के लिए ट्रू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव और जीरो फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, मोशन में है तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है, जीरो नहीं हो सकती, समझ गया कि नहीं, था सेम का से जल्दी। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर अ बॉडी इन मोशन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, and for a body at rest it can be zero, but distance can never be negative. samajh chhe tara? Yes sir. Clear hai? Koi problem to nahi? Okay beta. Now Subhashtavan, for example yahan dekho, अगर ये बॉडी ए से बी तक गई, मैंने कौन सा रास्ता इसको चुनवाया फर्स्ट, मगर ये है क्या ना दर्शित कि ये इस वाले रास्ते से इधर गई थ्रू सेकंड रास्ता, और ये भी तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे गया फिर पहुंच गया सी बी पे, तीसरा रास्ता हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स डिस्टेंस का वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड किस पे करता है, शाबाश आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, समझे बेटा, डिस्टेंस इज अ मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, मल्टीपल वैल्यूड क्या छे, मल्टीपल वैल्यूड समझते हो ना, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉरवर्ड, और जो चीजें पाथ पे डिपेंड करती है उन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली डिस्टेंस इज अ पाथ फंक्शन, क्या पाथ फंक्शन, डिस्टेंस इज अ पाथ फंक्शन, वाई बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑन विच यू हैव मेड द बॉडी टू वॉक, आपने किस रास्ते पे बेटा इस गाड़ी को चलाया वो रास्ता डिटरमाइन करेगा तेरी डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। दो पॉइंट्स फिक्स्ड अगर है, यहां से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डिस्टेंस दो पॉइंट्स फिक्स्ड है, लेकिन डिस्टेंस तीन बंदे तीन तरीकों से कवर कर सकते हैं, कोई पैदल कवर करेगा तेमसी दर्शन खोफरवात स्वयं कोचो मजते अचित, मगर कहाँ है कि गाड़ी में गसे तेमसे बदल हाईवे इख्तियार करे, कहाँ ट्रेन में गसा तेमसे असा कहाँ अलग बात, यूस एरोप्लेन की गसा तेमसे असा अलग बात, समझे तरह। सो इफेक्टिवली बेटा तीनों चारों रास्तों से वैल्यू ऑफ डिस्टेंस सेम नहीं है, हाँ आ भी सकता है मगर जरूरी नहीं है, डिस्टेंस इज अ मल्टीपल वैल्यू फंक्शन, ठीक छे गोबर, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ गए ना, सो डिस्टेंस इज अ मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। नाउ बेटा जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, अच्छा और मैंने कहा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर शी समझता ना, समझना ये डिस्टेंस को समझना 100 मीटर से डायरेक्शन माने
कि सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड ठीक है। लेकिन बेटा अब क्या होता है, डिस्टेंस के साथ साथ एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। कैसे बना? डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द सेकंड एंटिटी जो हमें मोशन में मदद करेगी। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? शाबाश। इट इज द शॉर्टेस्ट। देखो पहले समझना, हमने इसको पाथ वैल्यू का फंक्शन बोला, हमने बोला इट इज अ पाथ डिपेंडेंट, ये रास्ते पर डिपेंड करता है। आपका रास्ता क्या था? डिस्टेंस से हमें समझ आता है गाड़ी कैसे चली है, कहां से चली है, समझ आता रहा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये समझ। फॉर एग्जांपल बेटा इन्हीं दो पॉइंट्स की बात करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात। जो इन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में बेटा शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द टू स्टेशन, शॉर्टेस्ट लेंथ, चाहे बंदा उस पे गया या नहीं गया हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस में कौन सा रास्ता चला वो इंपॉर्टेंट। हाँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के वक्त समझो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, पॉइंट ए और पॉइंट बी के हमें कितनी शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ है, उस शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कैसे बना? मगर मैं मानता आखिर शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस आसना तथा ना हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन आज द रीजन आवर डिस्प्लेसमेंट बेटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या छ? अगेन इट हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ लेंथ, मीटर के यूनिट्स है और एल रेज पर वन इसके भी डायमेंशन है। मगर इस याद था इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन इसका वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट है। सो वन आर क्लियर डिस्प्लेसमेंट आज इज द मीटर, मगर मे ना पता डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट सुखापोरी मगर सुन 30 डिग्री पे कि दो मीटर के बाद ही मुझे मिलेगा। पहले समझना इस बात को, ये देखो यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे एक बंदा है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज द थर्ड पाथ, ठीक छा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ छुना अकुई पाथ मे छो ना मानून या ए पेट बी गे थ्रू रास्ता नंबर वन, थ्रू रास्ता नंबर टू, थ्रू रास्ता नंबर थ्री। मैं वन कहा डिस्टेंस कितनी, मैं ए को बोल, जो बंदा ए पे है उसको बोलेगा यार बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस, कोई बोलेगा कभी बोलेगा चार मीटर, कभी बोलेगा पांच मीटर, कभी बोलेगा छह। मगर अगर भी तुम्हें सवाल करो यार डिस्प्लेसमेंट कौन सा सुन में ज मीटर इम से अड़ी कथ वन क्या बिकॉज इसने मुझे ये नहीं बोला दो मीटर से तो मैं बी पर पहुंचूंगा, मगर वो दो मीटर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही जाना है ना, अदरवाइज मैं इस बी तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि बाकी जितने भी रास्ते हैं वो दो से ज्यादा है। बम बात ही सो एक पर्टिकुलर रास्ता है, उस पर्टिकुलर रास्ते की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन बेटा हमें समझा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कॉस क्वांटिटी छ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर छ? मगर मैं मानता हूं आकर ए से बी तक जाना, चाहे वो बंदा उस शॉर्टेस्ट पाथ पे खुद चलाया नहीं, क्या शॉर्टेस्ट पाथ का वैल्यू चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बेटा कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये आपको मोशन नहीं बता रहा कि पोका था पर कितना ईशन दीवाना में क्या, मगर मिशी ओवरऑल इफेक्ट माना कैच पर कूवर गो जी समझता रहा। सो डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा इट गिव्स मी क्या ओवरऑल इफेक्ट ऑफ मोशन, कैच दीवान ओवरऑल इफेक्ट ऑफ मोशन, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ मोशन। इट डजंट टेल मी द मोशन, इट डजंट गिव मी द आइडिया ऑफ मोशन, कित पड़ गई मोशन ना आइडिया, मोशन कित पड़ गई सो गई डिस्टेंस या वाने की ना कोई पता करना कित पड़ पता, क्योंकि उसका एक कदम राइट की तरफ ऐड हो जाता है डिस्टेंस को, मगर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं। तेम चाहिए चाय तेम क्या कोर सुगो पर दाबस पर नहीं, डजंट डिपेंड, हमें इनिशियल पोजिशन पता है फाइनल, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट रास्ता है उसी को तूने डिस्प्लेसमेंट कहा। और आज के बाद याद रखेगा बेटा कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये तेरे को ओवरऑल इफेक्ट बताता है मोशन का, ये देखो मोशन के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ये उसका इफेक्ट बता रहा है, असर इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस ए से लेकर बी तक बंदा चला गया। क्लियर छा? यस सर। समझ तरह समझ छ तरह तेरे बना आकत डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक क्या है, कोई कौन सा रास्ता है फिर? सिर्फ एक ही रास्ता, एक ही रास्ता ते वना को गुबुर इसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन ये वना कि ना। और एट द सेम टाइम बेटा जो चीजें सिंगल वैल्यूड होती है हमें मोशन तो इसने नहीं बोला, ओवरऑल इफेक्ट बोला, हमें ये बोलता है कहां से किधर तक,
तीछा बना मिन आला तीछा के ना कहां से किधर तक ठीक तो मैं ये कह सकता हूँ स्टैट वैल्यू फंक्शन या वनाज के ना स्टैट फंक्शन मतलब इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस ये नहीं डिपेंड करता कि रास्ता कौन सा इख्तियार किया ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है किधर से किधर तक क्लियर अच्छा समझ गए कि नहीं अब तू मुझे बता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है डिस्टेंस हमने कहा मोशन में अगर बंदा है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस उसका पॉजिटिव है डिस्टेंस उसका जीरो है अगर रेस्ट पे है डिस्टेंस नेगेटिव लेकिन चलिए डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात हमने कहा हमने बोला शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस थी वो ना कितना फाइनल और इनिशियल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है फाइनल और इनिशियल इशू इंपॉर्टेंट था उन्हें याद फाइनल और इनिशियल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है उसी को तू क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट कहता है तो मुझे बता यहां पर फॉर एग्जाम्पल बंदा ओ से ओ पे था इसी 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 चीज को डिस्कस कर रहा हूं ओ से था ए पे चला गया टाइम हो गया टी वन ओ से था तो बी पे चला गया हो गया टाइम टी टू फिर बी से आ गया सी पे तो रुक गया हाँ. हमें क्या है डिस्प्ले अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी व्हाइल गोइंग फ्रॉम ओ टू सी सो बना के सर टोटल डिस्टेंस है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस बी सी बोला कि नहीं हाँ अगर कोई बंदा उस देखो ये बंदा क्या था इसने पहले किया उसको काम था बी पे फिर आ गया हाँ. ऐसा भी तो हो सकता था ये बात याद होती कैसे सीएस पे डायरेक्टली है ना हाँ. कोई बंदा था वो यहां से आता फिर जाता सी पे तो मल्टीपल वैल्यू डिस्टेंस होता है हाँ अब चूंकि पाथ ये वाला था मैंने 1D वाला पाथ दिखाया तो हमें ये समझ आ गया लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट क्या वन पर नेट डिस्प्लेसमेंट इधर पे ही बताओ बेटा क्या है शाबाश इफेक्टिवली ओ पेट सी एस हाँ. सोचा सिर्फ ओ सी अब आप क्या देख रहे हो टोटल डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गई डिस्प्लेसमेंट कम आ गया ना हाँ. आ गया कि नहीं ये हो गया एक केस दूसरा केस देखो यहां पे बंदा है ए पे यहां पे बी है ठीक हाँ. बंदा गया ए से बी तक ठीक कौन सा गोबर व्हाट इज द नेट डिस्टेंस डिस्टेंस इट इज ए बी लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वो भी ए बी हाँ. यानी कि इस वक्त डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आ गया हाँ. आगे एक और चीज देख ले बंदा है ए पे बंदा है बी पे बंदा गया ए से बी तक हाँ फिर आया बी से ए तक समझना व्हाट इज द नेट डिस्टेंस ए बी प्लस बी ए सुको ना ट्वाइस ए बी है गोवा कितना व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट ये ए पे था ना ए पे ही आ गया ना इनिशियल फाइनल सेम है तो जीरो तो क्या देख रहा है तीनों केसेस में एक कॉमन चीज है क्या डिस्टेंस हमेशा या तो ज्यादा है या बराबर है डिस्प्लेसमेंट के हाँ. मतलब क्या किसी केस में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई नहीं हुई मत हुई नहीं. अब दूसरी चीज देख ले एक बंदा यहां पे है ठीक हो गया ए पे गोवा ब्याख ना परचू सुगो या पोई ए पे ए डैश पे लेंथ के एतबार से ये एक्स है ये भी एक्स है हाँ. ये एक्स है और ये भी एक्स है मुझे बता ये पहला रास्ता है और ये दूसरा रास्ता है जो बंदा पहले रास्ते पे चला जो बंदा समझना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं जो बंदा पहले रास्ते पे चलने वाला डिस्टेंस क्या है उसके लिए डिस्टेंस फॉर पहले वाले के लिए एक्स हाँ. जो बंदा दूसरे रास्ते पे चला वो कहां गया ओ से ए डैश उसके लिए क्या है डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी ओनली मैथ की छूट रुका हाँ सुगो ऊपर डजंट मैटर ठीक लेकिन जब मैं तुझे डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा किसकी बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की बात पहले वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल एक्स है ना हाँ. लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज गोइंग थ्रू द सेकंड पाथ शाबाश माइनस एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट
अगर तूने ये पॉजिटिव लिया, ये तू क्या लेगा? नेगेटिव. समझ चुका है डिस्प्लेसमेंट है कि नेगेटिव थे ऐसे? हां. क्या था प्यार? वहां क्या क्या हमने इन चार चीजों से क्या क्या बातें ले ली? शाबाश. डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो. फॉर अ बॉडी इन मोशन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस से कम. और एक चीज डिस्क ट्राई कर पॉज. क्या बातें हम कर रहे हैं? शाबाश. डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी इन मोशन. मोशन ये तीनों, ये भी मोशन में था ना? हाँ. ये भी मोशन में था, वो भी मोशन में था, वहां पर भी मोशन में था. हम ये देख रहे हैं अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है. लिखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, फॉर अ बॉडी एट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. ठीक. अगला पॉइंट, फॉर अ बॉडी इन मोशन, फॉर अ बॉडी इन मोशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. समझ चुका रहा? ठीक है ना? ठीक है. अगला पॉइंट, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम वैल्यू. एक ये वाली एग्जांपल, ए से बी तक गया है ना, स्ट्रेट लाइन पे गया ना, डिस्टेंस भी ए भी, डिस्प्लेसमेंट भी ए भी. ठीक. नेक्स्ट, नेक्स्ट, फॉर अ बॉडी रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिन, रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल पॉइंट, फॉर अ बॉडी रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल पॉइंट डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ एंड इज पॉजिटिव. अच्छा, जैसे यहां पर डबल आ गया. हाँ. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो. पता है क्यों? ये भी देख लेना क्यों, ये भी देख ले. अगर हमने ए से बी तक लिया प्लस एक्स, बी से तक क्या है ना, या ना अपोजिट. हाँ. वेक्टर. हाँ. तो एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कितना? जीरो. दैट इज वेयर डिस्प्लेसमेंट जीरो. समझ है तारा? यस सर. ठीक है. यस सर. अगला पॉइंट क्या क्या लिखा? पहला पॉइंट क्या लिखा था? डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी इन मोशन, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. हां. बॉडी इन मोशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. हां. फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ये समझ आ गया ना? फॉर अ बॉडी इन मोशन ये वाला डायग्राम उसके लिए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. हां. यहां पर जैसे यहां पर यहां की बात कर रहे हैं, देखो ये समझ लो. ओ से ई तक, पता है क्या? ओ से सी तक हमने बोला, हमने बोला ए से बी तक एक्स वन प्लस एक्स टू, मतलब तस्वीर कारण माइनस बी सी. हाँ. क्योंकि वो आगे ना ऑपोजिट डिस्टेंस के वक्त एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस बी सी है ना. लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने ओ सी बोला, छू गया ये असली. हाँ. जो असली एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू मगर माइनस बी सी छा कितना माइनस. क्यों? कैश डायरेक्शन की तलब पे. अब मुझे खुद बता, बंदा यहां पे है, सर्कल में जा रहा है, स्टार्ट ए से किया था, अब खत्म हो गया. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द, बट इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज 2 पाई आर. समझ उतर ना? यस सर. डिस्टेंस से 2 पाई आर एम कर पोट. एक्चुअली क्या किया इसने, लेकिन है ये वहीं पर जीरो. समझ उतर ना? जरा इसका बता, व्हाट अबाउट दिस सेमी सर्कल छू, इसका रेडियस आर है, ए से स्टार्ट किया, बी पे चला गया, डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस है पाई आर. डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट है ए बी. नहीं. हाँ ए बी. ए बी कितनी है? डायमीटर. टू आर. डिस्टेंस इज पाई आर. टू पाई आर का हाफ क्योंकि सेमी सर्कल. लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज ए टू बी एंड दैट इज डायमीटर, दैट इज ट्वाइस आर. समझ तो रहा? क्लियर. अच्छा अब जरा ये बता, ये बता, यहां पे बंदा है ए पे, ऊपर फेंका मैंने इसको, ऊपर चला गया, वापस आ गया नीचे, बॉल फेंकी ऊपर, बता बता डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे मत देख, ऐसे दिख रहा है क्योंकि
मैं बनूंगी क्यों गुण पाऊंगा असली चीज ये देखो जीरो वापस आना हो तो ही मगर डिस्टेंस एच प्लस एच है और खुद पदों दोन ये उधर ही भगना ना मैंने राइट लेफ्ट मत सोच वन डी की बात कर रहा हूँ तू हवा सोच रही हवा से इधर जाएगा अगर वो इति हाव इके पड़े इते ले हाव ना या हो तो मैं दिखा रहा हूँ ये ऊपर गया नीचे आया फिर तो डिस्प्लेसमेंट भी ए भी है डिस्टेंस से पाती ये प्लस ये प्लस ये अगर तेज पर उछो ये ऐसे है लेकिन ऊपर फेंगा ना इधर ही आ गया वापस हाइट एच एच टू एच हाइट से टू एच है ना नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज टू एच बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो अच्छा समझ आ गया कि नहीं सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर अब जनरल क्या बोल सकते हैं हम जनरल बना बतीले की जनरल बात कह रहा हूं अब जनरल बात यह है सुनो डिस्टेंस हाँ हमेशा तीनों केसेस में हमें यही समझ आ गया था ज्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है किसको डिस्प्लेसमेंट ना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को अब ये बात अच्छे से समझ में नहीं कह दिया मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर कभी नहीं होगा हाँ मैग्नीट्यूड में ज्यादा या बराबर हो सकता है मैग्नीट्यूड स्केलर वेक्टर तो देयर हैज टू बी डिफरेंट सो डिस्टेंस बेटा तीनों केसेस में हमें समझ आ गया देखो यहां पर ज्यादा थी क्योंकि वो नेगेटिव है माइनस एक्स हो सकिन ना यहां पर हमने देखा डिस्टेंस डबल आ गई डिस्प्लेसमेंट जीरो यहां पर हमने देखा डिस्टेंस आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस बी सी लेकिन डिस्प्लेसमेंट आया ओ सी तो जनरली डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा या बराबर कम हो सकता है लेस से कभी यानी कि यह है कि नहीं जैसे डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है क्या वैसे ये कभी नहीं हो सकता याद समझ गया कि नहीं इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात जब भी तेरे पास आएगी अब तूने मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी पढ़ा है सुखा कर पाए कि विन रिपीट मगर व्हाट यू जस्ट समझो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान का रिश्ता क्या है डिस्प्लेसमेंट यू चाहे सार वन डिस्प्लेसमेंट तमी विज ग दिमाग गुन शॉर्टेस्ट पाथ यह हे जीरो तक नेगेटिव तया अमिच डायरेक्शन तैन अगर नम कह बराबर तो हम हे प्रॉब्लम सॉल्व कर समझ तरह क्लियर है पॉइंट्स लिखे ये पॉइंट्स लिखते जाओ इन पॉइंट्स से ही आपको बातें क्लियर हो सकती है ठीक है अब ये बेशित कह चीज है मतलब पे इम्पोर्टेंट सो गो घर जाके इन इन्हीं बातों को थोड़ा डिस्कस आपस में अपने साथ ऐसे पैरियम कलम कथ क्या वनान इन बातों से क्या समझ आ रहा है ठीक है ना तिकेज रिवीजन इज वेरी इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट देखो अभी तक जो हो रहा था कैलकुलेशंस काट वाट हाँ लेकिन अब कॉन्सेप्ट चूक गया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई याद अगर दो बार भी सुनना पड़े वीडियो लेक्चर को नए से सुनो बातें क्लियर करो लेकिन अब ठीक है इंशाल्लाह दैट इज गोइंग टू हेल्प अस ठीक है था लेकिन जल्दी पाना शाबाश क्या क्या बातें लिखी जरा मुझे बताओ क्या लिखा था आपने लिखा फॉर अ बॉडी एट रेस्ट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो फॉर अ बॉडी इन मोशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हैज द सेम वैल्यू फॉर अ बॉडी रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल पॉइंट डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ दैट एंड इज दैट इज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है हां फिर बस इतनी बातें लिखी ओके बेटा नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स भी लिखो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन क्या समझे तरह क्या लिखा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट बिटवीन टू पॉइंट्स between the choice of origin between the displacement between two points is independent
is independent of the choice of origin. Of the choice of origin. हाँ, displacement से ना overall effect. ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है A से B तक आपने origin की बात की? नहीं. नहीं की ना. Origin की तो हमें बात ही नहीं करनी. क्यों? अभी हमें समझ आएगा. लेकिन A से B तक जो distance है, वो depend करेगा कि A आपने क्या लिया था. A से B तक आपको बराबर देखना है. हाँ. वो तो shortest. ठीक है. दरअसल A की location और B की location, वो आपको position vector देगा. हाँ. देगा कि नहीं? Yes, अब देखो, देखो displacement vector कैसे काम करेगा. मैं आपको ये दिखा रहा हूं. ये देखो, समझ लो आपका ये लोकेशन है, ये ए है, ये बी है, यही ए बी. ऑब्वियस सी बात है, कोऑर्डिनेट्स होंगे ना. लोकेशन चल क्या है सर? एक्स वन वाई वन, ये ओरिजिन, और इसका एक्स टू वाई टू. ठीक है, बंद आ गया. इसे कोई भी रास्ता उसने किया कि ये किया? ठीक, ये तो डिस्टेंस है ना. हाँ. वो तो देखना पड़ेगा, मेजरमेंट पे करो. मगर डिस्प्लेसमेंट हमें वेक्टर देगा. कैसे? या था ना अपना पोजीशन वेक्टर आर ए. हाँ. इसको होगा ना अपना पोजीशन वेक्टर आर बी. होगा कि नहीं? yes, जरा मुझे तू बता आर ए क्या होगा. शाबाश, वेक्टर. हाँ, पढ़ा हमने. नहीं नहीं, वेक्टर वेक्टर अंडर रूट नहीं, वेक्टर मैग्नीट्यूड नहीं. मैं कह रहा हूँ एक्स वन आई कैप, वाई वन जेड वन. सुना? What about RB? X2 I cap. Shabash, X2 I cap. Y2 J cap. Z2 J cap. What is displacement? The change in the position vectors actually. Kaise change ho gaya? Net overall effect. So displacement is this. A se B tak gaya. Delta R. Change in position vectors. Hmm. Shortest distance na, sorry. So what is the change in position vector? Delta R, huh? It is RB. Final minus initial. Final position vector minus initial position. That is what I am telling you. Origin वहां खुले हुई थी. अभी origin पे फर्क है. आप इसको origin के साथ कोई लेन देन नहीं है displacement के magnitude. देखो RB minus RA को ना इंच subtract करें. जब vectors component forms में होते हैं उनका subtract कैसे किया जाता है बताओ? X से X को ही, Y से Y को ही, Z से Z को ही. जरा बताओ. इको X2 minus X1 दे. X2 minus X1. लेकिन कहां से? I cap. शाबाश. हां, Y2 minus Y1. कहां से? J cap. And what about the third one? Z2 minus Z1. हां, along K cap. One cap through the. अब does it depend? Does it depend on the origin? No. It depends on the values of A and B finally. Final overall effect. हां, अगर तुझे मैं बोलूं अब displacement का magnitude कितना? एक ये जो displacement vector. हां. मैग्नीट्यूड कितना है फिर इसका? जरा पता, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? शाबाश. हाँ, स्क्वायर रूट. क्या? एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर है ना, प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर है ना, प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर. क्लियर? अच्छा, एक क्या मैग्नीट्यूड? पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है कि नहीं? क्योंकि ए से बी तक गया. लेकिन जब यही तू लेगा बी से ए तक, मैग्नीट्यूड ही चाहिए अपन पॉजिटिव. मगर जब वेक्टर की बात करेगा तभी नहीं नेगेटिव. मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी, मैं ये समझना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर इज नेगेटिव. वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता. पढ़ा है, वेक्टर नेगेटिव होता है. दैट इज जस्ट टू सिंप्लीफाई, टू सिग्निफाई द डायरेक्शन. अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ आ गया? yes, समझ आ गया. ये तीन प्रॉब्लम्स मैंने अभी दिखा दी आपको, समझ आ गई. हमने क्या, कौन सी प्रॉब्लम मैंने बताई? एक तो सर्कल वाली, सेमी सर्कल वाली, और ये वाली मोशन ऑफ ग्रेविटी वाली. ठीक है, क्लियर? अच्छा, लास्ट की एग्जांपल तो फिर आई विल स्टॉप. बताओ बेटा, ये ए है, ये बी है, ये लेंथ एस है. ठीक है, आपके लिए सवाल है, what is the distance while going from A to B? Distance? Hmm. ये
ये कहां से पैरेलल ड्राइंग कर रहा है? ए से बी तक है, हां ऑब्वियस, शाबाश, नाइस, क्या सीख गया? डिस्टेंस ए बी, दैट इज एस। यस। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? वो भी ऐसी आएगी। हां आएगी कि नहीं? यस। अच्छा, अगर मैं अब ये करा रहा हूं, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, डिस्टेंस कितनी है? एस प्लस ए बी प्लस बी सी। मगर डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट ए सी है। ए सी है, एग्जैक्टली। क्लियर गोवा? यस सर। सारा क्लियर? यस सर। पंगा पड़ो, ब्याह क्वांटिटी जो इस मोशन हेल्प है, दैट विल बी स्पीड। क्लियर? यस सर।